आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मतलब क्या है। सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट -3, 10 और सेकेंड पॉइंट बी 6, -8। इट डिवाइडेड बाई अ पॉइंट पी -1, 6। आपको देखिए ये x1 और y1 गिवन है और ये x2 और y2 गिवन है, x और y। आपको फाइंड क्या करना है, m1 रेशियो m2। आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट्स -3, 10 है और 6, -8 है, इसको एक पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, फाइंड द रेशियो। वी नो स्टूडेंट्स m1 x2 + m2 x1 upon m1 + m2 = x। m1 नॉट फाइंड, x2 6 प्लस m1 m2 x1 -3 upon m1 + m2, x की वैल्यू -1 upon 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6m1 -3m2 = -m1 - m2। 6m1 -3m2 6m1 + m1 - m2 + 3m2, 6 + 6m1 + m1 आपका आ जाएगा 7m1 और माइनस ये 2m2 हो जाएगा। फाइनल m1 upon m2 2 upon 7, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेशियो 7। देखिए स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेशियो बताना था m1 रेशियो m2। तो हमने क्या किया, फार्मूला लिखा m1 x2 + m2 x1 upon m1 + m2 = x। m1 x2 की वैल्यू 6 + m2 x1 की वैल्यू -3। आप 6m1 - 3m2 = -m1 - m2, m1 को एक तरफ कर लिया, m2 को एक तरफ कर लिया, सॉल्व करके m1 रेशियो m2 2 रेशियो 7। आप यही क्वेश्चन इस तरीके भी लगा सकते हैं, m1 y2 + m2 y1। आप यहां पर चाहे तो y2 और यहां पर y1 = y, इसको करके भी आप सॉल्व करेंगे, आंसर बोथ केसेस में सेम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। इसके बाद हाँ, आपको दिख रहा होगा हमने 2 के बाद 4 लिखा है, 3 नहीं लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको आप डिस्कस करिएगा, बता दूंगा, लेकिन अभी उसको नहीं बता रहा हूँ, फिगर बेस्ड है, क्योंकि पूरा बोर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ही ले लेता है, इसलिए इस 3 को हमने भी छोड़ दिया है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन मतलब किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट पी एंड क्यू, क्वाड्रेंट ऑफ पी 4, -1 एंड क्यू -2 एंड -3। पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी ट्राइसेक्ट मतलब पी ए
इक्वल टू पी बी इक्वल टू बी क्यू, तीन इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रही है, तो यहां पर हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सपोज दैट यहां तक का पार्ट वन हो गया और इसके बाद का पार्ट वन और टू, यानी ये रेशियो क्या हुआ, वन रेशियो टू, एम वन एम टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू और वाई टू। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू, एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एक्स इक्वल टू एम वन वन, एक्स टू माइनस टू, एम टू टू, एक्स वन फोर अपॉन वन प्लस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, फोर टू जा एट अपॉन थ्री, एक्स इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ऐसे ही वाई इक्वल टू एम वन वाई टू, एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे तो वाई का कोऑर्डिनेट यहां से निकल जाएगा, एम वन की वैल्यू वन, वाई टू माइनस थ्री, एम टू टू, वाई वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टू। एम वन यानी वन इंटू माइनस थ्री, टू इंटू माइनस वन, दिस इज माइनस थ्री माइनस टू अपॉन थ्री, माइनस फाइव अपॉन थ्री। ये आ गया ए का कोऑर्डिनेट, आपके पास टू कॉमा माइनस फाइव बाई थ्री, टू कॉमा माइनस फाइव बाई थ्री, ये आपका ए का कोऑर्डिनेट निकला। अब हमें बी का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखिए आप चाहे तो बी का कोऑर्डिनेट रेशियो बदल दीजिए, वहां से भी कर सकते हैं। देखिएगा बी का कोऑर्डिनेट्स ए और क्यू का मिड पॉइंट भी हो सकता है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप ऐसा करिए, मिड पॉइंट का फार्मूला एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू टू प्लस एक्स टू की वैल्यू माइनस टू अपॉन टू, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू टू माइनस टू अपॉन टू, यानी एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसे ही यानी बी का कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वाई वन माइनस फाइव बाई थ्री एंड वाई टू माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस फाइव बाई थ्री प्लस माइनस थ्री, एलसीएम ले लिया यहां पर, थ्री एलसीएम आ गया, तो थ्री थ्री जा नाइन अपॉन टू, तो ये आ जाएगा माइनस फोर्टीन अपॉन थ्री इंटू टू, टू सेवन जा, तो वाई की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री, तो ये आपका आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व हो गया, बी कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा माइनस सेवन बाई थ्री और ए का कोऑर्डिनेट टू कॉमा माइनस फाइव बाई थ्री, ये पी क्यू को क्या कर रहे हैं, ट्राई सेक्ट कर रहे हैं। ये था आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन, विच डिवाइडर्स अ जॉइन ऑफ माइनस वन सेवन एंड फोर माइनस थ्री इन द रेशियो टू रेशियो थ्री। इसका क्वेश्चन में ए का क्वारिनेट माइनस वन सेवन, बी का फोर कॉमा माइनस थ्री, तो आपको एक पॉइंट पी का क्वारिनेट बताना है जो इसको टू रेशियो थ्री में डिवाइड कर रहा है।
तो सीधे हम पहले फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और y इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये आपके लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम वन एंड एम टू। एक्स एम वन का मतलब टू, एक्स टू फोर, एम टू थ्री, एक्स वन माइनस वन अपॉन टू प्लस थ्री। एक्स इक्वल टू फोर टू जा एट माइनस थ्री अपॉन फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव अपॉन फाइव, एक्स इक्वल टू क्या आ गया वन, और वाई इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू सेवन अपॉन टू प्लस थ्री। वाई इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन अपॉन फाइव, आएगा फिफ्टीन अपॉन फाइव, वाई इक्वल टू क्या आएगा थ्री। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी वन कॉमा थ्री आ गया स्टूडेंट्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट, जैसे लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट पॉइंट वन कॉमा माइनस फाइव और बी माइनस फोर कॉमा फाइव डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइडेड और किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। सपोज दैट लेट एम वन रेशियो एम टू, हमें y की वैल्यू पता है, तो हम y वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। y इक्वल टू जीरो एम वन वाई टू फाइव प्लस एम टू वाई वन माइनस फाइव अपॉन एम वन प्लस एम टू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5m1 माइनस 5m2, 1 से इंटू हुआ 0 से इंटू करेंगे इक्वल टू 0, 5m1 इक्वल टू 5m2। इसको हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू 5 अपॉन 5 या m1 अपॉन m2 1 अपॉन 1, यानी किस रेशियो में डिवाइड हो गया 1 रेशियो 1। एम वन रेशियो एम टू वन रेशियो वन आ गया। अब हमारा दूसरा पार्ट कह रहा है आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा एक्स। तो आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन वन और एक्स टू माइनस फोर, एम टू वन और एक्स वन वन अपॉन वन प्लस वन माइनस फोर प्लस वन अपॉन टू, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, यानी पी का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने इस क्लास में एक्सरसाइज वन टू सॉरी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हमने पांचों क्वेश्चन वन टू फाइव डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, अदर पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।